गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर स्ट्रेटेजिक चॉइस इज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक हमने स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन पढ़ा, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स पढ़े थे, कॉर्पोरेट विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देते हैं उसको, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए। ओके, so now we will discuss how these strategies are implemented in this particular lecture. Strategic implementation is as important as the strategic formulation. So it is very crucial aspect of strategic management process, and implementation of a strategy involves identification of organization's structure and the process so that necessary tasks are assigned and the performance are well evaluated, monitored, controlled and regulated. So यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 7S फ्रेमवर्क ऑफ मैकिन्सी। मैकिन्सी एंड कंपनी एक कंसल्टेंसी, रिसर्च कंसल्टेंसी कंपनी है, और इसके जो कंसल्टेंट्स थे टॉम पीटर एंड रॉबर्ट वॉटरमैन, इन्होंने 1980s में एक 7S मॉडल डेवलप किया था, जहां पर इन्होंने 7S बताए थे एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो बेसिकली हेल्प करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें एक स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है तो वॉट आर द बेसिक एंड द नेसेसरी फैक्टर्स और द की एलिमेंट्स। So here they have told about the 7S, which are strategy, structure, system, skills, staff, system and the shared values. These are the 7S or the 7 elements of an organization. अब ये जो आपके 7S आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो S से क्योंकि स्टार्ट है, therefore these are the 7S. तो ये 7S में से जो कुछ आपके इसमें सॉफ्ट एरियाज हैं और कुछ आपके हार्ड एरियाज हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दिखा है इसमें स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ये आपके हार्ड एलिमेंट्स हैं, एंड सिस्टम, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज, दीज आर द सॉफ्ट एस। तो ये दीज आर सर्टेन हार्ड एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, एंड दीज आर द सॉफ्ट थिंग्स। ये इसका डायग्राम है 7S मॉडल का मैकिन्सी के, जिसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 3 हार्ड S दिख रहे हैं, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, एंड जो यहाँ पर आपको नीचे ब्लू कलर में जो आपको शो हो रहे हैं, दीज आर द सॉफ्ट 7S, सॉफ्ट S ऑफ द 7S मॉडल। ओके, विच आर स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल एंड शेयर्ड वैल्यूज। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज 7S of this strategic implementation model one by one. So 7S model एक valuable tool है जो कि किसी भी organization design को frame करने में help करता है at the time of uncertainty, और सबसे ज्यादा use होने वाला model है ये। And it helps in determining how best to implement a new strategy, किसी भी new strategy को implement करने में help करता है, क्योंकि these are the basic elements जिनके through हम किसी भी strategy को implement करते हैं, strategy, structure and systems के through, skills, staff, style और shared values के through। Okay, it also helps facilitate the organizational change. जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज पढ़ोगे वहां पर भी आप ये 7S मॉडल जरूर पढ़ोगे, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन चेंज में भी यही होता है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट द न्यू स्ट्रेटेजीज विद द हेल्प ऑफ दी 7S एंड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो द फर्स्ट S इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एज यू नो दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन अंडरटेकन बाय द कंपनी इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे हम जो भी अपने एक्शंस में चेंज ले रहे, डिसीजन मेकिंग में चेंज ले रहे हैं, दे टर्न आउट टू बी अ स्ट्रेटेजी, एंड इट इज द वे बाय विच द कंपनी पोजिशन इट सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉम्पिटेट। सो कीपिंग इन व्यू द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजीज और कॉम्पिटिटर्स एक्शंस, कंपनी ऑल्सो हैज टू टेक टू काउंटर देयर एक्शंस ऑफ देयर counterparts. So for that sake, to achieve the competitive advantage, company has to make certain strategies. So that was, we can say that that was the strategy. One of the prerequisite for successful implementation of a strategy is that the strategy has to be simplified. Simple होनी चाहिए जो भी strategy है,
और इजीली परसीव्ड होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड होनी चाहिए इसके सभी शेयर स्टेक होल्डर्स के साथ में। सेकंड एस इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की वहां पर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट वी आर कॉलिंग एज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एज वी नो दैट देर इज अ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बट इन सम देर इज अ वेरी पिरामिडल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्पेशलाइजेशन एंड द इंटीग्रेशन। बाय वे ऑफ स्ट्रक्चर अ कंपनी टेक्स स्टॉक ऑफ इट्स इंटरनल कॉम्पिटेंसी एंड कैपिटलाइज इट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड इज द स्किल्स। अभी तक हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर्स डिस्कस किया, एंड देन नेक्स्ट इज द स्किल। वी जनरली टेंड टू कैरेक्टराइज द कंपनीज बाय व्हाट दे डू बेस्ट। ओके, सो स्किल्स रेफर टू द एट्रीब्यूट्स, कैपेबिलिटीज एंड द क्रिएटिविटी इनोवेशंस ऑफ एनी कंपनीज एम्प्लॉयज which reinforce the new strategies. Okay, so here there is an example of the corporation like 3M. 3M ek jo hai, it is well known for its global innovation and differentiated products in the marketplace, and it created high entry barriers through its high level of innovation. Wo innovations kahan se aaye? Through by the skills and creativity of the people which are working in 3M company. ओके, सो स्किल्स आर दस द टेसिड कैपेबिलिटीज दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर द राइवल्स और द कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट एंड इनेबल द कंपनी टू अचीव द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। देन द नेक्स्ट इज स्टाफ। स्टाफ एलिमेंट रिलेट्स टू टाइप एंड द नंबर ऑफ पर्सनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली स्टाफ में सारे ही ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें क्वांटिटेटिवली भी आएंगे और क्वालिटेटिवली भी आएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन व्हाट नंबर दे आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो हाउ दे विल बी रिक्रूटेड, ट्रेन, मोटिवेटेड एंड रिवॉर्डेड। जैसे कि हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी पढ़ा है पहले कि हाउ वी एक्वायर, डेवलप, मेंटेन द human resources, it depends on this thing. So in today's knowledge based economies, it is the people who make the real difference, because it is the human resource only which is the most valuable resource, and by these resources we can acquire the other resources. Then the next S is style. Style refers to the leadership approach of the top manager in the organization. How do the leaders interface with subordinates and others in the organization. So here we are talking about the leadership style basically. As you have already studied that every leader or every manager has a different leadership style and they have a different approach to influence others and to make others follow him is very different. Some people think that autocratic approach is good, while some other thing that participative or free range style of leadership is better. So every organization has its own distinct culture and management style that largely include the values, beliefs, norms, etc., which become the enduring part of organization's life. And the last is shared values. Shared values are the fundamental ideas or the guiding concepts around which the business is built. तो यहाँ पर शेयर्ड वैल्यू इंक्लूड्स द बिजनेस फिलॉसफी और द ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। दीज आर द शेयर्ड वैल्यूज विच आर शेयर्ड एंड वेल कम्युनिकेटेड अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस वेरी वेल। सो दीज वैल्यूज एंड कॉमन गोल्स बाइंड द एम्प्लॉय टूवर्ड्स अ कॉमन डेस्टिनेशन और टू अचीव अ कॉमन गोल। एज वी नो दैट द इंडिविजुअल गोल इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन गोल, बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और द वैल्यूज आर वेल शेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन दे कैन अलाइन देयर इंडिविजुअल गोल्स और द पर्सनल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अगर ऐसा नहीं होगा, ये वेल कम्युनिकेटेड नहीं होंगे और ऑर्गेनाइजेशन
गोल्स भी अगर वेल डिजाइन नहीं होंगे तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने गोल्स को डिफरेंट रखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे. एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर नॉट अचीव वेल, देन द इंडिविजुअल्स गोल्स मीन्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज एम्प्लॉयज और द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो नॉट बी अचीव्ड एट ऑल. So that's all about today's lecture. But in today's lecture, we have skipped one S, which was system. So now we can discuss about the system. If we talk about an organization, the organization is a open system, which is influenced and affected by the external environment, as well as if organization is very powerful and strong, then it can as a system affect the external environment also. Okay, so that's it about today's lecture. I hope that you are going through the lecture, studying very well. And if you find any difficulty, any problem, you can call me and ask me. Okay, thank you.